किचन में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं, सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सर्दियों के सीज़न में गोभी चिल्ली बना के खाने का मज़ा ही कुछ और है। गोभी चिल्ली एक चाइनीज़ डिश है और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं गोभी चिल्ली बनाऊँ और खाऊँ और खिलाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट चलते हैं किचन में, देखते हैं कैसे बनती है ये। बनाने के लिए मैंने एक गोभी का फूल लिया है, इसके पीछे का मैं भाग कट कर दूँगी। अब इसके मैं फूल तोड़ लूँगी, इस तरीके से सारे फूल मैं तोड़ लूँगी। सभी गोभियों को इतना छोटे छोटे मैं काट लिया है, इसे ना तो मैं ज़्यादा छोटा रखी हूँ ना ज़्यादा बड़ा रखी हूँ, मीडियम साइज़ में रखी हूँ। अब इन सभी गोभी को मैं धो लूँगी। धो लिया है, अब इसे मैं बॉईल करूँगी। एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैं सारे गोभी को डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि इसमें अगर कोई भी गंदगी रहे या कीड़े रहे तो निकल जाए। इसे मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। जब तक गोभी मेरी बॉईल हो रही है तब तक हम प्याज, शिमला मिर्च और मिर्ची को कट कर लेते हैं। गोभी जब तक उबल रही है तब तक मैंने ये सब्जियों को काट लिया है। प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है, शिमला मिर्ची को इस तरीके से और हरी मिर्ची को इस तरीके से लंबी लंबी काट लिया है। गोभी मेरी उबल चुकी है, अब इसे मैं छन्नी में निकाल देती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। गोभी को इस तरीके से मैं छन्नी में छान रही हूँ ताकि इसका जो थोड़ा बहुत भी पानी रह जाए वो निकल जाए। अब इसे मैं ठंडे पानी में डाल दूँगी और अच्छे से धो लूँ। इसे मैंने ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें अगर थोड़ा बहुत भी पानी रह गया हो तो हम इस छन्नी से उसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स, गोभी का पानी हम पूरा निकल चुका है, इसे मैंने थोड़ी देर हवा में छोड़ दिया था। ये देखिए पूरा पानी अच्छे से इसका निकल चुका है, अच्छे से सूख चुकी है। मैदा लिया है, आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर लिया है, आधा चम्मच काला मिर्च पाउडर लिया है। मेरे पास सफ़ेद पेपर नहीं था तो इसके बदले मैं काली मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कलर मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी चम्मच कलर मिर्ची डालिए। नमक हल्का सा डालूँगी, इसे मैं अच्छे से मिला रही हूँ। इसका हम घोल तैयार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी। लिया है, इस तरह का घोल रखना है आपको, जैसे आप बेसन का घोल तैयार करते हैं सेम वैसे ही आपको घोल तैयार करना है। ये मेरा घोल तैयार हो गया है, अब इसमें मैं गोभी डालते जाऊँगी। इसे हल्के हाथों से मिला लेना है। गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, ऑयल मेरा गरम हो चुका है, गैस की आंच मैं सिम कर दूंगी और इसे एक एक करके मैं डालती जाऊंगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है, इस तरीके से आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन काट के रख लिया है एकदम बारीक बारीक, इसे मैं सबसे पहले से डाल दूंगी। इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें मैं शिमला मिर्च डालूंगी, मिर्ची डालूंगी, प्याज डालूंगी, ये सबको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी मैं। प्याज को हमें एकदम जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, सब हमारा भून चुका है, अब इसमें मैं चम्मच चिली सॉस डालूंगी। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर, एक चम्मच टमाटो सॉस, अभी मैं यहाँ पर एक चम्मच डाल रही हूँ, बाद में और डालूंगी। उन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी, इस तरीके से सबको अच्छे से मिला लेना है। और इसके बाद थोड़ी सी पीसी मिर्ची डालूंगी, थोड़ी सी कलर मिर्ची,
नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और इसके बाद में इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगी, थोड़ा सा बटर डाल दूंगी इसमें, इसे बढ़िया से मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैंने घोल बनाया है, उसी का ही घोल है ये जो अपन गोभी जिसमें अपन डाल डाल करके किए थे। तो ये इसमें थोड़ा सा मैंने मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और कलर मिर्ची जो मिक्स करके मैंने घोल तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा मैंने बचा के रख लिया था, इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है, जो गोभी मैंने फ्राई की थी उसे डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिला दूंगी। चम्मच और मैं टमाटो सॉस डाल देती हूँ। अगर आपको कलर ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा को करना है, तो आप टमाटो सॉस को बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 चम्मच और डाल दिया है, मिला लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी चिल्ली बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया लिया है, ये धनिया मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, गोभी चिल्ली बनके तैयार हो चुकी है। इस तरीके से बनाइए, खाइए, खिलाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पास में है उसे प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए ही बस इतना ही। थैंक यू।